नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 15 तारीख मई की हो गई है और देख रहे हैं कि आज मौसम साफ है और काफ़ी तेज़ धूप है ही है, और इसकी वजह से जो तापमान है, पिछले कल और आज की बात करें तो करीब ये सामान्य से 4 डिग्री के आसपास जो है एक दो जगहों में ऊपर चल रहे हैं, बाकी ठीक है, सामान्य से 1-2 डिग्री तक ऊपर हैं। तो इस तरह का है कि इस समय टेम्परेचर हायर साइड में है ही है, लेकिन कल से अगर देखेंगे आप 16 मई से तो मौसम बदलेगा थोड़ी बहुत। एक्टिविटी फिर से जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उनमें हल्की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो कल से फिर से शुरू हो जाएगी। जब आप 17 या 18 में जाएंगे तो 17 में मैं कहूँगा कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इनमें तो अनेक जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो ठीक ठाक मिलेगी, और इसके अलावा जो है अनेक जगहों तक में वो मिलेगी, और इसके अलावा जो और हमारा हिली एरियाज है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसमें भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम तक की बारिश जो है वो भी देखने को मिलेगी, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी। जहाँ तक प्लेन्स की बात है तो वहाँ मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है। इसी तरह 18 में जब आप जाएंगे तो 18 तारीख में भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कुछ जगहों तक में, और फिर एडजोइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो हिल्स के और हैं तो उनमें भी कद्दूका जगहों में हल्की बारिश या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी। तो 2 दिन 17 और 18 में फिर से जो एक पश्चिम विक्षोभ है वो निकल रहा है, और लोअर लेवल में भी जो ईस्टर्ली विंड्स है वो मिल रही हैं जिसकी वजह से मॉइस्चर आ रही है, तो फिर से 17-18 में कुछ एक्टिविटी आपको प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। तो जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है तो कहीं कहीं पर तेज शावर भी गिरेंगे, तो उससे थोड़ा सतर्क रहना। जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो लोग जो देख रहे हैं कि थंडर उनको सुनाई दे रहा है तो उस समय चाहिए कि थोड़ा सुरक्षित जगह में कुछ समय के लिए रुकें, और जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो आगे बढ़ा जा सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखने की रहेगी। इसी तरह ओलावृष्टि भी है, वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, जो अंदर के हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनमें इसकी संभावना भी 17 और 18 में उसकी भी संभावना है। तो जब थंडरस्टॉर्म होता है तो ओलावृष्टि है या तेज़ हवाएं हैं या गर्जन है तो वो सब चीज़ें इसके साथ रहती है, या तेज़ जो शावर है कहीं कहीं पर वैसी जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी। तो थोड़ा उस समय जब ऐसी एक्टिविटी चल रही है तो रुकना चाहिए सेफ जगह पे, और जब ये ख़त्म होती तो आगे बढ़ा जा सकता है। 19-20 में अब जब जाएंगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। छुटपुट मैं कहूँगा जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़, तो इनमें थोड़ी बहुत आइसोलेटेड एक्टिविटी, लाइट एक्टिविटी एंड थंडरस्टॉर्म की वो 19-20 में भी रहेगी, परंतु 21 से फिर से जो है